स्टार्ट। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम योर इंग्लिश टीचर। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट इंग्लिश क्लासेज एंड सबसे पहले हम टेंस स्टार्ट कर रहे हैं। टेंस, टेंस मीन फर्स्ट है सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस टॉक अबाउट ए जनरल ट्रूथ और ए कस्टमरी एक्शन। मींस जो हम डेली वर्क करते हैं, रेगुलरली जो हम काम कर रहे हैं उनमें, उसमें क्या यूज़ होता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। फॉर एग्जांपल, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग मीन्स क्या होता है? मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, तो ये मेरा क्या है? रेगुलरली वर्क है। मैं कब उठता हूँ? सुबह जल्दी। आई गेट अप, तो इसमें क्या यूज़ हुआ? सिंपल प्रेजेंट टेंस। ऐसे ही सपोज आई प्ले, मैं क्या करता हूँ? मैं खेलता हूँ। आई प्ले। आई रीड, मैं पढ़ती हूँ। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होते हैं? वो टेंस जिन्हें हम क्या करते हैं? डेली वर्क करते हैं। और इसमें क्या आता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का क्या होता है? यूज़ होता है। अब इस अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव टेंस में कौन से टेंस आते हैं? सिंपल टेंस है। सिंपल सेंटेंस कौन से होंगे? आई वॉक, मैं घूमती हूँ। वी प्ले, हम क्या करते हैं? वी प्ले मीन्स हम खेलते हैं। दे गो, वे जाते हैं। तो सिंपल अफर्मेटिव टेंस कौन से टेंस होते हैं जिनमें हम डेली यूज के टेंस यूज़ करते हैं? सपोज आई वॉक, वी प्ले, दे गो, वी गो, तो ये कौन से टेंसेस होते हैं? अफर्मेटिव टेंसेस होते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस का फर्स्ट कौन सा होता है? अफर्मेटिव टेंस। सेकंड, इनमें भी कौन सा हो जाएगा? नेगेटिव। नेगेटिव अफर्मेटिव मीन्स होता है पॉजिटिव, साधारण जिनमें हम सिंपल यूज करेंगे। आई वॉक, वी प्ले, आई गो, मैं जाती हूँ, वी कम, हम आते हैं। और नेगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं जिनमें क्या होता है? नेगेटिव होता है, नहीं का होता है। आई Do not walk. I do not walk. यानी मैं घूमने नहीं जाती हूँ। We do not play. We do not play. हम क्या नहीं करते हैं? हम खेलते नहीं हैं। You do not play. They do not play. तो ये सब क्या हो जाएंगे? हमारे नेगेटिव सेंटेंस। अब आप ऐसे ही खुद अपने मन से क्या बना सकते हो? सेंटेंस बना सकते हो कि सिंपल सेंटेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस कौन से होंगे जिनमें क्या होगा? सिर्फ वर्क होगा और कुछ भी नहीं होगा। आई वॉक, वी प्ले, दे गो, और कोई भी नेम भी आ सकता है। सीता कम, सीता आती है, एक्सेट्रा। और नेगेटिव में क्या यूज़ होता है? आई डू नॉट वॉक, वी डू नॉट प्ले, दे डू नॉट प्ले, सीता डज नॉट प्ले। सीता क्या नहीं करती है? खेलती नहीं है। और आप इसको चाहो तो नोट डाउन क्या कर सकते हो इनका। मैं आपको एक फॉर्मूला लिखवा देती हूँ अफर्मेटिव का सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले क्या आता है? सब्जेक्ट, और उसके बाद क्या आएगी? अपनी वर्ब। और सब्जेक्ट कौन होता है? जो कौन करता है? जो काम करता है। वर्ब जो हम क्या करेंगे? उस काम को करेंगे। सपोज एग्जांपल क्या आएगा? सब्जेक्ट मैं बोलूँगी आई प्ले, मैं क्या करती हूँ? खेलती हूँ। आई प्ले। और अपन कोई भी नेम यूज़ कर सकते हैं। सपोज सीता क्या आएगी? सीता कम्स, सीता आती है। आपकी बुक में है काफ़ी एग्जांपल्स,
आई प्ले, वी प्ले, यू प्ले, सी प्लेज, इट प्लेज। अब इनमें जो वर्ब होती है उनमें क्या होता है, एस या ई एस। और एस और ई एस किसके साथ आता है, सिंगुलर के साथ। एस या ई एस किसके साथ आएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। और अपने सिंगुलर सब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं, ही, शी, इट और एनी नेम। सिंगुलर सब्जेक्ट कौन सा होता है, ही, शी, इट, एनी नेम। और विदाउट एस या ई एस किस में आएंगे, प्लूरल। और प्लूरल कौन से सब्जेक्ट होते हैं अपने, आई, वी, यू, दे। आई, वी, यू, दे के साथ क्या आएगा, एस या ई एस नहीं आएगा। और एस या ई एस किसके साथ आएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ। और सिंगुलर सब्जेक्ट्स कौन से होते हैं अपने, ही, शी, इट और एनी नेम। अब आई प्ले, तो आई क्या था अपना, प्लूरल है, तो आई के साथ क्या नहीं आएगा, एस या ई एस नहीं आएगा। और सीता कम, सीता, सीता क्या है, कोई नेम है, तो उसके साथ क्या आएगा, एस या ई एस। तो इसके साथ क्या आएगा अपना, एस आएगा, सीता कम्स। और कोई भी ले लो आप, इसका लेंगे हम वी, वी गो, तो क्या है, हम जाते हैं। तो बी कौन सा है अपना, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसके साथ क्या है, नहीं आएगा, एस ई एस नहीं आएगा। तो इसके साथ क्या आएगा, वी गो। और अब मैं ही लूँगी, ही ईट, ही ईट्स, वह क्या करता है, वह खाता है, ही ईट्स। तो ही क्या है अपना, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या आएगा, एस या ई एस वर्ब में। तो ईट्स के साथ क्या आ गया, एस आ गया। ऐसे ही हम अगर किसका यूज करके देखेंगे, दे, तो दे वॉक, वो क्या करते हैं, वो घूमते हैं, तो दे वॉक। तो दे कौन सा सब्जेक्ट है अपना, प्लूरल सब्जेक्ट है। और प्लूरल के सब्जेक्ट के साथ ऐसे एस नहीं आता ना, तो हम क्या करेंगे, इसके साथ ऐसे एस नहीं लगाएंगे। तो दे वॉक, वे क्या करते हैं, घूमते हैं। तो अंडरस्टैंड, इसमें क्या होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब आता है, और वर्ब के साथ क्या आती है, एस या ई एस। और एस या ई एस किस किस के साथ आएगा, एस या ई एस में सिंगुलर के साथ आता है। और सिंगुलर कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं अपने, ही, शी, इट और एनी नेम। एन एस या ई एस नहीं आएगा किसके साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। और प्लूरल सब्जेक्ट कौन से होते हैं अपने, आई, वी, यू, दे। अंडरस्टैंड, तो इस एग्जाम्पल हो चुका है, आई प्ले, आई कौन सा सब्जेक्ट है अपना, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसके साथ एस या ई एस नहीं लगेगा। लेकिन सीता कम, तो सीता क्या है अपना, कोई नेम है, तो उसके साथ क्या लगेगा, एस या यस। अगर अब आपको ये समझ में आया है तो आप नोट डाउन इसको कर सकते हो पूरी, आप इसको इसका रूल फॉर्मूला उतार लो कि अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या आता है, एस या यस आएगा। और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस या यस लगता है। और सिंगुलर सब्जेक्ट्स कौन से होते हैं, ही, शी, इट एंड एनी नेम। और प्लूरल सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे। एग्जाम्पल, इसके बाद कौन सी सेंटेंस हम आएंगे, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं जिसमें किसका यूज़ होगा, नॉट का यूज़ नहीं होगा, जिसमें क्या कोई काम नहीं होगा। तो इसका रूल फॉर्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस इसमें हेल्पिंग वर्ब लगती है अपनी। हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है, डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या क्या होता है इसमें, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद डू प्लस या डस, नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब डू और डस किस किस के साथ लगते हैं, डू और डस किस किस के साथ लगते हैं, तो डू और डस किसके साथ लगेगा, डू किसके साथ लगता है, प्लूरल सब्जेक्ट। और डस सिंगुलर सब्जेक्ट। किसके साथ लगेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। और डू किसके साथ लगेगा, प्लूरल सब्जेक्ट। और प्लूरल सब्जेक्ट कौन से होते हैं, अभी हमने बताया था ना, कौन से होंगे, आई, वी, दे एंड यू।
एंड सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? ही, शी, इट एंड एनी नेम. कोई भी क्या होगा, नेम. तो अंडरस्टैंड, डू एंड डस किसके साथ, डू किसके साथ लगता है? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ. और प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से होंगे? अपने आई, वी, दे एंड यू. एंड डस सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगता है. सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? अपने ही, शी, इट, एनी नेम्स. अब वही जैसे हमने अफर्मेटिव सेंटेंस में पढ़ा था ना, उसमें क्या आता था, डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती थी, लेकिन इसमें क्या लग जाएगा? डू और डज लग जाएगा. अब एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट, आई डू नॉट, आई डू नॉट प्ले. तो क्या है, आई इसमें क्या हो गया? सब्जेक्ट. डू क्या हो गई? अपनी हेल्पिंग वर्ब. तो आई क्या है? अपना प्लूरल सब्जेक्ट है. और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा? डू. इसके बाद ये क्या है? नेगेटिव सेंटेंस है. और प्ले क्या हो गई? अपनी वर्ब. तो आई डू नॉट प्ले, तो मीन्स क्या होता है? मैं खेलता नहीं हूँ. और सपोज अब आई की जगह मैं ही लिखती, ही डज नॉट प्ले. तो ही डज नॉट प्ले. अब ही क्या है? अपना सिंगुलर सब्जेक्ट है. और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा? डज लगेगा. इसके बाद क्या आता है? नॉट एंड प्ले. तो ही डज नॉट प्ले. तो आई डू नॉट प्ले एंड ही डज नॉट प्ले. अब ऐसे आप कोई भी टेंस सेंटेंस बना सकते हो. ही डज नॉट रीड, ही डज नॉट गो, सी डज नॉट प्ले, इट डज नॉट प्ले. तो ये कौन से हो गए आपके? नेगेटिव सेंटेंस. तो नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट, देन डू या डस प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है. अब डू और डस किस किस के साथ लगते हैं? तो डू किसके साथ लगता है? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ. और प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं आपके? आई, वी, दे एंड यू. एंड सिंगुलर सब्जेक्ट्स ही, शी, इट एंड एनी नेम्स. अब आई डू नॉट प्ले या वी डू नॉट प्ले, आई एंड आई डू नॉट प्ले, या कुछ भी लगा सकते हो आप. आई डू नॉट प्ले, या क्या कर सकते हैं? आई प्ले डू नॉट गो, आई डू नॉट वॉक, आई डू नॉट टीच. तो क्या आएगा? आई के साथ हमेशा डू. और ही डज नॉट प्ले, शी डज नॉट प्ले, या कोई भी नेम्स ले लो आप. राम डज नॉट प्ले. तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या आता है? हमेशा डज. और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या आएगा? डू. आपको ये नोट करना है तो आप इसको नोट कर सकते हो. और ऐसे ही आप अपने मन से कोई भी सेंटेंस पुटअप करो, क्योंकि जो अपने सिंपल प्रेजेंट टेंस होते हैं वो क्या होते हैं? अपने डेली यूजेस टेंस सेंटेंस होते हैं, जो हम यूज़ में करते हैं, कि मैं खाता हूँ, आई ईट, आई वॉक, आई स्लीप. तो इसी तरह से आप क्या कर सकते हो? आप खुद अपने आप इन्हें यूज़ कर सकते हो. जो भी आप डेली वर्क कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग आप इनको यूज़ करते देखो, तो आपको ये क्या लगेंगे? बहुत ईजी. इसके बाद इसमें क्या आता है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस. अफर्मेटिव सेंटेंस पर ली, नेगेटिव सेंटेंस एंड इसके बाद इंटेरोगेटिव सेंटेंस. अफर्मेटिव सिंपल, नेगेटिव में क्या होता है? नॉट. एंड अफर्मेटिव, सॉरी, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? इनमें क्या करते हैं? क्वेश्चन पुटअप करते हैं. जैसे हम मैं बोलती थी आई प्ले, मैं खेलती हूँ. और नेगेटिव में वो क्या हो गया? आई डू नॉट प्ले. अगर हम मैं अफर्मेटिव बनाऊँगी तो क्या लिखूँगी? डू आई प्ले, क्या मैं खेलती हूँ. तो इसमें क्या होता है? क्वेश्चन को क्या करते हैं? हम पुटअप करते हैं. और इसका क्या होता है, रूल क्या है इसका? सबसे पहले क्या आती है इसमें? हेल्पिंग वर्ब. इसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन क्वेश्चन मार्क. अब हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी थी अपनी इसमें? डू एंड डस. और डू किसके साथ लगता है? और डस किसके साथ लगता है? डू किसके साथ लगता है? अपना प्लूरल सब्जेक्ट के साथ. एंड डस सिंगुलर. और प्लूरल और सिंगुलर भी मैंने बताए थे. प्लूरल सब्जेक्ट कौन से होते हैं? आई, वी, यू, दे. और सिंगुलर कौन से होते हैं? ही, शी, इट एंड कोई भी नेम हो सकता है. तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं? हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद क्या होता है? सबसे मेन क्या होता है? अपना क्वेश्चन मार्क. क्योंकि हम क्वेश्चन पुटअप कर रहे हैं ना किसी से, तो उसके बाद क्या लगाएंगे? क्वेश्चन मार्क. और उसी से ही पता लगेगा ना कि हमारा क्या कौन सा सेंटेंस है? इंटरोगेटिव सेंटेंस है.
अब हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है इसमें? डू एंड डस। डू किसके साथ लगेगा? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। एंड डस किसके साथ यूज होगा? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। एग्जाम्पल, डू डू बी डू वी प्ले, क्या हम खेलते हैं? तो सबसे पहले क्या है इसमें? डू। डू क्यों क्या आया? क्यों? क्योंकि वी क्या है अपना? प्लूरल सब्जेक्ट है, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या आता है? डू। इसके बाद क्या आएगी? वर्ब, और वर्ब के बाद क्वेश्चन मार्क। तो डू वी प्ले या फिर डज शी प्ले, डज शी प्ले, या डू वी प्ले, या डू आई गो, या डज शी गो, कुछ भी कर सकते हैं। इसमें एग्जाम्पल दिए हुए हैं हमारे, डज इट प्ले, डू आई प्ले, डू वी प्ले, डू यू प्ले, डू दे प्ले। तो डू एंड डज हो गया ना। इसी तरह कोई भी सेंटेंस बना सकते हो, प्ले की जगह कुछ भी कर सकते हो। आप सपोज जा रहे हो तो क्या लिखोगे? मैं खाता हूँ। क्या मैं खाता हूँ? तो डज, सॉरी, डू आई ईट, या डज ही गो टू मार्केट, डज ही गो टू मार्केट। तो सो इसी तरह से क्या हो जाएगा? इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाएंगे। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में आ गया ना, सबसे पहले क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसके बाद क्या आएगा अपना? क्वेश्चन मार्क। और हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है? डू एंड डज होती है। और डू किसके साथ लगता है? प्लूरल के साथ। एंड डज किसके साथ यूज होता है? सिंगुलर के साथ। अगर आप चाहो तो इस फॉर्मूले को क्या कर सकते हो? नोट डाउन कर सकते हो, बिकॉज ये क्या होगा, इसके लिए आपके लिए इजी हो जाएगा। अब इनके यूज़ कहाँ कहाँ होते हैं? इनके यूजेस एक तो हमने पढ़ लिए कि इनका फॉर्मूला क्या होता है। ये तो नॉर्मल फॉर्मूला है कि फॉर्मूले के अनुसार हमने क्या कर लिया? टेंस यूज़ कर लिया। और इसका यूज़ और कहाँ कहाँ होता है? तो फर्स्ट यूज़ कहाँ होगा? वी यूज़ द सिंपल प्रेजेंट टेंस टू टॉक अबाउट ए जनरल ट्रूथ और ए कस्टमरी एक्शन। तो वी यूज़ द सिंपल वी यूज द सिंपल प्रेजेंट टेंस टू टॉक अबाउट ए जनरल ट्रूथ फॉर ए कस्टमरी एक्शन। तो इसका यूज, फर्स्ट यूज क्या होता है? वी यूज द सिंपल प्रेजेंट टेंस टू टॉक अबाउट ए जनरल ट्रूथ और ए कस्टमरी एक्शन। इट मीन्स क्या होता है? द सन राइजेज इन द ईस्ट। एग्जाम्पल क्या है? द सन Rises in the east। तो जो सन है वो कहाँ से राइज होता है? ईस्ट से होता है ना। तो ये जनरल ट्रूथ है, हम इसको चेंज नहीं कर सकते ना। तो इसलिए इसमें किसका यूज हुआ है? सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज हुआ है। इसको चेंज थोड़ा कर सकते हैं कि सन कहाँ से राइज होगा? वेस्ट से तो होगा ही नहीं, तो कहाँ से यूज होता है? ईस्ट से राइज होता है। तो इसमें कौन सा टेंस होगा? द सन राइजेज इन द ईस्ट। तो कौन सा टेंस है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो कब यूज करेंगे? वी यूज द सिंपल प्रेजेंट टेंस टू टॉक अबाउट ए जनरल ट्रूथ और ए कस्टमरी एक्शन। एंड सेकेंड यूज कहाँ होता है इसका? वर्ड लाइक्स ऑलवेज, ऑफन, समटाइम्स, यूजली, एवरी डे। Always, often, sometimes, usually, every day, so mostly कहाँ यूज होगा? ऑलवेज, ऑफन, समटाइम्स, यूजली, एवरी डे। अगर कोई भी
सेंटेंस और आपको क्या दिख जाए, ऑलवेज, ऑफन, समटाइम्स, यूजली, एवरीडे, तो कहाँ पे उसका यूज़ किधर होगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ होगा उधर. तो कोई भी आप एग्जाम्पल ले लो, द अर्थ गोज अराउंड द सन, तो जो अर्थ है वो क्या करती है, सन के राउंड करती है, क्या अपना जनरल ट्रूथ है. तो इस परफेक्ट नहीं थोड़ा कि सन राउंड कर रहा है अर्थ के, ये तो नहीं होता, अर्थ करती है ना सन के राउंड, तो ये अपना ट्रूथ है, चेंज नहीं हो सकता. तो इसके साथ क्या है, किसका यूज होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होगा. फर्स्ट क्या पढ़ा, सिंपल प्रेजेंट टेंस. सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होते हैं, जो हम डेली वर्क टेंस होता है, इसमें क्या क्या एक्सप्रेस होता है इस वाले टेंस में, कि जो डेली यूजेस के होते हैं, और इसमें कौन कौन से होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव. अफर्मेटिव में क्या होता है, सिंपल आते हैं, आई प्ले, डू, वी प्ले, ही गो, आई ईट, आई स्लीप, आई डांस, यू टीच, यू रीड. एंड नेगेटिव में क्या आ जाएगा, डू एंड डज, जो पूरा फॉर्मूला बताया था, डू एंड डज लगता है, तो आई डू नॉट प्ले या आई डू नॉट डांस, आई डोंट लाइक डांस, तो क्या कर सकते हो आप, टेंस नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव. और इंटरोगेटिव में क्या होता है, कोई भी क्वेश्चन पुट अप करेंगे, डू आई प्ले या डू यू प्ले एक्सेट्रा. इसके बाद आपकी फर्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विद लाइक एंड लाइक्स. फर्स्ट एक्सरसाइज मैं आपको करवा रही हूँ. तो इसमें हमको कौन से वर्ड लिखने हैं, लाइक या लाइक्स. लाइक किस में आएगा और लाइक्स किस में आएगा, और ये अभी आपको बताया था कि लाइक्स एस किसके साथ लगता है और किसके साथ नहीं लगता है. फर्स्ट एग्जांपल, एवरीडे, सॉरी, एवरीबडी आई ब्लैंक हर, थर्ड यू ब्लैंक क्रिकेट, फोर्थ वी ब्लैंक फ्रूटी, फिफ्थ माई ब्रदर सिक्स सी ब्लैंक स्वीट्स, सेवन रानी एंड आई, ब्लैंक हिम, तो फर्स्ट कौन सा है, एवरीबडी, ब्लैंक मी. तो एवरीबडी क्या है, अपना सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके साथ क्या लगेगा, लाइक होएगा या लाइक्स आएगा, तो क्या आएगा, लाइक्स. तो एवरीबडी लाइक्स मी, आई ब्लैंक हर, तो आई कौन सा सब्जेक्ट है, अपना प्लूरल सब्जेक्ट है, तो आई के साथ क्या आएगा, लाइक, आई लाइक हर. इसी तरह से यू कौन सा सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट, और यू के साथ क्या आएगा, लाइक. वी ब्लैंक फ्रूटी, तो वी कौन सा सब्जेक्ट है, अपना प्लूरल सब्जेक्ट, और वी के साथ क्या आएगा, लाइक, वी लाइक फ्रूटी. माई ब्रदर ब्लैंक मिल्क, तो माई ब्रदर कौन है, मेरा भाई एक है, तो माई ब्रदर लाइक्स मिल्क, तो मेरा भाई क्या पसंद करता है, मिल्क. शी लाइक्स स्वीट्स. रानी एंड आए, तो रानी एंड आए कितने सब्जेक्ट हो गए, टू सब्जेक्ट हो गए, रानी और आए, तो रानी और मैं क्या करते हैं, लाइक, रानी एंड आए लाइक हिम.
तो इसी तरह से क्या यूज हुआ है, लाइक एंड लाइक्स का यूज हुआ है। तो मैंने आपको फर्स्ट एक्सरसाइज करवा दी है फिल इन द ब्लैंक। सेकंड एक्सरसाइज आपको खुद को नोट करनी है घर पर। ये क्या है आपका होमवर्क।